हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली दफ़ा श्री श्री माधुर्य कादंबनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने जो लिखा उसकी पीयूषकणा व्याख्या में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है ना, और वो दान तपस्या आदि सब कुछ करता है, व्रत आदि, तो उससे भक्ति प्राप्त नहीं होती है। यानी कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं दान कर लूँ और मुझे भक्ति मिल जाए, या कोई व्यक्ति सोचे कि मैं व्रत करूँ तो मुझे भक्ति मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। भक्ति स्वप्रकाश है, हम इसी पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। भक्ति की स्वप्रकाशता पर जो चर्चा हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है ना। तो आज इसी बात को बताया जा रहा है कि जो भक्ति है वो किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं रखती है। यानी कि कर्म, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, जितने भी मार्ग हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, उन साधनाओं में भक्ति की अपेक्षा रहती है। अगर कोई व्यक्ति ये साधना करता है और वो भक्ति नहीं करता तो वो सफल नहीं होगा। लेकिन भक्ति को ना ज्ञान की आवश्यकता है, ना भक्ति को योग मार्ग की आवश्यकता है, ना कर्म मार्ग की आवश्यकता है। भक्ति निरपेक्ष है ना। तो इसका दृष्टांत कहाँ है, प्रमाण कहाँ है? तो प्रमाण है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, जहाँ पर कहा गया है, श्रेयः श्रितिम् भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। यानी कि ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ज्ञान साधना है ना, ज्ञान साधना, वो अपने आप में कोई रिजल्ट नहीं देगी, कोई फल नहीं देगी। कहा कि हे भगवन, निखिल श्रेय लाभ का एकमात्र पथ भक्ति को त्याग करके जो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त कठोर क्लेश को स्वीकार करते हैं, कठोर, हाँ, तो वो क्या होता है? वो लोग मानो जो चावल होता है ना धान में, तो धान को यानी खाली धान को जिसमें से चावल निकल चुका है, चावल है नहीं, बस उसी को कूटते रह जाते हैं और आस करते हैं कि चावल निकलेगा कभी। उनका श्रम इस प्रकार से बेकार होता है, यानी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी कि समस्त श्रेय दो मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, एक परम कल्याणप्रद मार्ग जो भगवान से मिलाता है उसे श्रेय मार्ग कहते हैं, है ना, और प्रिय मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है जो संसार से मिलाता है हमें। तो कहते हैं समस्त श्रेय लाभ का एकमात्र पथ है भक्ति, भक्ति। और अगर किसी को भक्ति में विश्वास नहीं है और सिर्फ ज्ञान में विश्वास है कि हाँ, सब कुछ ब्रह्म है, हमें ब्रह्म में विलीन हो जाना है, इस प्रकार के भाव को लेकर के जो चलता है, जो इस प्रकार की प्रयोजन को लेकर के चलता है और भक्ति को त्याग देता है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें हाथ में सिर्फ क्लेश मिलता है, वो कठोर परिश्रम करते हैं बस, और परिश्रम ही उनका सार होता है, प्राप्ति कुछ नहीं होती है।
तो हमारे जो आचार्य पाद हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उन्होंने श्री गीता जी की सारार्थ वर्षिणी टीका में चार प्रकार के कैवल्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान साधकों की बात कही है। ज्ञानी चार प्रकार के होते हैं। जो लोग ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना, उनमें विलीन हो जाना, भगवान के शरीर के ही, उनके शिव विग्रह के ही, दिव्य शरीर की ही प्रभा है ब्रह्म, उस ज्योति में जो विलीन होना चाहते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो बोला गया कि देखिए, जिनके बारे में कहा गया कि जो भक्तिहीन है, यानी जो विश्वास नहीं करते श्री कृष्ण विग्रह में, श्री कृष्ण लीलाओं में, और कहते हैं कि श्री कृष्ण विग्रह तो माइक है ना, और उनकी भगवत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, तो बताया उन्हीं के लिए कि उनको मात्र क्लेश मिलता है, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं कि ब्रह्म जो है वही सर्वस्व है, और भगवान जो है श्री विग्रह धारण करके अगर लीला कर रहे हैं, भगवान के विग्रह के खिलाफ होता है जो, तो हमारे महाप्रभु ने कहा है कि भगवान की इससे बड़ी कोई निंदा ही नहीं हो सकती कि उनके शिव विग्रह को माइक बोल दे। अक्सर लोग वो यही बोलते हैं कि इन्होंने जो शरीर धारण किया माया का है, देखिए इनको भी माया लगती है, देखिए इनके यहाँ भी ये हुआ है, देखिए ये भी रोए, देखिए ये जब छोड़ करके चले गए तो सीता जी भी रोई, राधा जी भी रोई, इस तरीके से बहुत कुछ बोलते हैं और भक्ति पथ का अवलंबन नहीं लेते हैं। उनके लिए हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं अति निंदित, निंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि नहीं, ज्ञान से हमें मुक्ति मिल जाएगी, भजन वजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब तो मुक्ति ही चाहते हैं, दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, है ना। इनको ये बोध ही नहीं होता है कि सेवा भी कोई चीज़ है, तो मोक्ष चाहते हैं। चलिए उन लोगों से तो अच्छे हैं कि जो संसार में रमे पड़े हैं, लेकिन तो भी चूंकि भगवान के शिव विग्रह को नहीं मानते हैं, माइक मानते हैं, तो इसलिए वो निंदित हैं, अति निंदित ज्ञानी। और इसी प्रकार के ज्ञानियों की बात इस श्लोक में कही गई है। और जो लोग सोचते हैं सर्वासामेव सिद्धिना मूलम तच्चरणार्चनम, अर्थात जो सोचते हैं क्या कि समस्त साधनाओं की सिद्धि के जो मूल हैं वो श्री कृष्ण के चरण अर्चन हैं, ऐसी शास्त्र वाणी में जो बात कही गई है, और वो भक्ति मिश्रित ज्ञान की साधना करते हैं, यानी कि उनका उद्देश्य तो होता है कि हम जो है विलीन हो जाएं, तो भगवान का भजन तो करते हैं। देखिए दो तरह की बात कही गई यहाँ, जो मैंने मैंने कहा कि ये भगवान के शिव विग्रह को माइक मानते हैं, तो पहले वाले जो हैं जिनके बारे में बोला अति निंदित ज्ञानी, वो तो भगवान की बात ही नहीं करते हैं, या भगवान के शिव विग्रह को माइक मानना वो भी वहाँ तक तो नौबत ही नहीं आती, वो भक्ति को बस स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो ये मानते हैं कि हाँ भाई हमें कृष्ण भजन करना होगा, भगवान का भजन करना होगा, मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि सब सारी सिद्धियों का जो मूल है उनके चरण का अर्चन है, वहाँ तक तो ठीक है, ये यहाँ आकर के जो है सब काम को खराब कर देते हैं जब ये कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो शिव विग्रह है वो माइक है। ये जो दूसरे वाले हैं ये कहते हैं माइक है। पहले वाले ने तो एकदम रिजेक्ट ही कर दिया ये आइडिया कि ब्रह्म के अलावा कुछ और भी है, ठीक है, भक्ति से कुछ मिल सकता है, या भक्ति मात्र भावुकों का काम है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दूसरे वाले ने कहा कि नहीं, शास्त्रों में अगर ये बात कही है कि श्री कृष्ण के अर्चन से हमें सिद्धि मिल सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ ये निराकार ब्रह्म ही हैं, और इन्होंने माइक उपाधि धारण की है, और इस माइक उपाधि के कारण, इस माइक कलेवर के कारण जो है वो क्या करते हैं, भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करते हैं, और वो सोचते हैं कि माइक उपाधि है भगवान की,
माया के द्वारा ग्रस्त हैं भगवान भी, तो यहाँ उनका बहुत बड़ा दोष हो जाता है। तब क्या है, तब यहाँ पर एक श्लोक आया जो कहा, जिसने कहा कि वो बहुत कष्ट से योगारूढ़ दशा में आरोहण करते हैं, यानी कि वो अपनी मंजिल तक बहुत कष्ट से पहुँच तो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण भजन किया, पर चूंकि उनके शिव विग्रह को माइक मान लिया तो इसलिए वो जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ से उनका पतन हो जाता है, गिर जाते हैं वो, है ना। ये बड़ी भयंकर बात है कि मतलब एक सीढ़ी से आप चढ़े और फिर वो चढ़ते चढ़ते आप गिर गए, है चढ़ना हुआ नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने भगवान के श्री चरण में अपराध किया। महाप्रभु ने कहा ना कि भाई अगर कोई भगवान के विग्रह को ही माइक मान ले, जो कि सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद का बना हुआ है, उसमें जो है हार्ड मास की कल्पना कर ले कि ये तो हड्डी मास का बना हुआ है, भगवान को भी दुख लगते हैं, भगवान आते हैं या लीला करते हैं वो भी रोते हैं, अगर ऐसा कोई सोच ले तो परम अपराध है ये। वो नहीं जानता क्या कि भगवान का श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है, उनकी लीलाएं जो है वो बड़ी दिव्य हैं, जन्म कर्म च में दिव्य में एवं भगवान ने कह दिया है। तो इसीलिए बताया कि इस अपराध के कारण उसे मुक्ति मिलते मिलते रह जाती है, वो वंचित हो जाता है। और इसको कहा गया है, वो तो थे अति निंदित ज्ञानी, यह निंदित ज्ञानी, इनके लिए श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्तव त्वयस्तभाव दविशुद्ध बुद्धयः। ये जो संस्कृत है बंगाली में लिखे, तो इसे पढ़ते हुए थोड़ा टफ लगता है, तो इसलिए बहुत ब्रेक कर करके पढ़ना पड़ता है। आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंत्य दो अनाद्री युष्मद अंग्रयः। कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी और अन्य देवगण श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कमल लोचन, जिन्होंने आपके श्रीचरण का अनादर करके स्वयं को मुक्त कह के अहंकार किया, यानी अभिमान किया कि मैं तो मुक्त हूँ, जीवन मुक्त हूँ, वो आपके प्रति भक्ति के अभाव के कारण उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि मतलब वो माइक उपाधियों से कट गए, उन्होंने वो माया का भी प्रतिकार कर पाए, वो हर चीज़ नैति नैति करते हुए जो है जुड़ पाए अपना, लेकिन चूंकि भगवान के चरणों में अपराध किया और ये सोचा कि हम जो है मुक्त हैं, जीवन मुक्त हो गए है? और भक्ति नहीं है उनके अंदर, तो उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। वो बहुत कृच्छ साधना के फल से, यानी उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। देखिए भक्ति में तो कोई कष्ट है ही नहीं, नाम संकीर्तन करना है, भगवान को प्रसाद भोग लगाना है, भोजन भोग लगा के प्रसाद महाप्रसाद खाना है, सत्संग करना है, कथा सुननी है ना, बहुत ही आनंदमय है भक्ति का मतलब। भक्ति जो है सुबह से लेकर रात तक मात्र आनंद का नाम है। लेकिन जो बहुत कष्ट सह के, यम नियम सह करके और बहुत क्लेशपूर्ण साधना करते हैं और जीवन मुक्त हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी वो उन ऊंचाइयों से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान के चरण में अपराध करते हैं ये सोच करके कि भगवान का कलेवर माइक है और ये माया के बने हुए हैं। और एक श्रेणी के तो हमने दो प्रकार के ज्ञानियों की बात की, एक अति निंदित जो भक्ति को मानते ही नहीं है, दूसरे जो है वो भक्ति का सहारा तो लेते हैं पर भगवान के कलेवर को, भगवान के शिव विग्रह को, उनकी लीलाओं को माइक मानते हैं। और तीसरे ज्ञानी ऐसे हैं जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन वो भी जब भक्ति मिश्र ज्ञान का साधना करते हैं और भगवान के शिव विग्रह को सच्चिदानंदमय मानते हैं, वे ही विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या से ऊपर उठ करके और ब्रह्म सायुज्य मुक्ति लाभ कर पाते हैं। तो सारे ज्ञानी लोग, सारे ब्रह्म ज्ञानी लोग, ब्रह्म के उपासक ब्रह्म में विलीन नहीं हो पाते हैं, सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ वही जो भक्ति का सहारा ले रहे हैं परंतु उनका उद्देश्य है ब्रह्म में विलीन होना। मगर श्री कृष्ण के श्री विग्रह को वो क्या मान रहे हैं? वो मान रहे हैं कि श्री कृष्ण का श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंद का बना है, ये हड्डी और मांस का बना हुआ नहीं है। वो बहुत प्रशंसनीय है, इनके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने कहा ये प्रशंसनीय है ना, कम से कम भगवान को सच्चिदानंदमय तो मान रहे हैं।
और एक प्रकार और ज्ञानी है जो परम सौभाग्यवान परम सौभाग्यशाली हैं। ये ज्ञानी कौन है? ये क्या करते हैं कि ज्ञान की साधना करते हैं, भक्ति का आचरण करते हैं, भगवान के श्री विग्रह को सच्चिदानंदमय मानते हैं, और भजन करते करते इनको अचानक महत्संग प्राप्त हो जाता है, परम भक्त का संग प्राप्त हो जाता है। उस संग के प्रभाव से इनकी जो मुक्ति वासना है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं वो मोक्ष पद को चाहते हैं, इसीलिए ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। परंतु महतों की कृपा से, महत संग से क्या होता है कि वो जो है मुक्ति वासना छोड़ पाते हैं। अब उनके अंदर कोई वासना नहीं है, अब बस वो सेवा सुख चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा कर सकें, अब हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सुखदेव गोस्वामी जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी जब पैदा हुए तो वो होते ही निकल पड़े कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति होगी, है ना। लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण किया अपने पिताश्री जी के श्रीमुख से, तो क्या हुआ? तो वो भक्ति रस में एकदम डूब गए। इनके लिए कहा गया कि ये प्रशंसनीय ज्ञानी है, प्रशंसनीय है कि अब इनके अंदर से मोक्ष की कामना दूरीभूत हो गई, अब ये ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, अब ये क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण के भक्ति रस में डूबे रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से समस्त ज्ञानी साधकों के धन्य होने के पीछे भक्ति की प्रबल अपेक्षा रहती है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह दी कि पहले ज्ञानी जिनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, बोला कि वो तो कभी भी ब्रह्म की प्राप्ति कर ही नहीं सकते, ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते हैं, जो सोचते हैं हम सिर्फ ज्ञान का सहारा ले लें। दूसरे ज्ञानी जो सोचते हैं हम भक्ति तो कर लें, पर भक्ति के विषय कौन है? भक्ति किसकी करनी है? भगवान की। भगवान सच्चिदानंदमय हैं, शास्त्र कहते हैं, है ना। तो उनके कलेवर को ही, उनके श्री विग्रह को ही माइक मानते हैं, ठीक है, तो उनको समस्या आ गई कि उनका अधपतन हो जाता है। तीसरे ज्ञानी जो हैं, जब भक्ति करते हैं, भगवान के श्री विग्रह को मानते हैं कि सच्चिदानंदमय है, उन्हें प्राप्त हो जाती है ब्रह्म सायुज्य। और चौथे प्रकार के ज्ञानी अगर महत का संग पाते हैं तो वो भक्ति रस में डूब जाते हैं, अब उन्हें ब्रह्म में विलीन होना नहीं भाता, ठीक है। तो ऐसे सनक सनातन आदि इन चारों को भी हुआ, जब इन्होंने ब्रह्मा जी से भगवान के बारे में सुना और गए वो भगवान के पास वैकुंठ लोक, और वहाँ जाकर के जब भगवान के श्री चरण में पड़ी हुई तुलसी की सुगंध उनके नाक में गई, तो उनका सारा ब्रह्म ज्ञान सब तिरोहित हो गया। वो अब ब्रह्म में नहीं जाना चाहते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं रहे, अब वो भक्त प्रवर हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति की अपेक्षा रहती है ज्ञान के साधन को करते हुए भी, ताकि उसमें सफलता हासिल की जाए। अब बात आती है कर्मी की, कर्मी को भी भक्ति की अपेक्षा रहती है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये बात कही गई है ना। क्या कहा? त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वो अथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम भूदमुष्य किम कोवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। कह रहे हैं श्री नारद जी व्यास जी के प्रति, हे मुनि, नित्य नैमित्तिक वर्णाश्रम स्वधर्म त्याग करके श्री हरि के चरण कमलों में भजन करते करते यदि कोई अपने भजन के परिपक्व होने से पहले ही गिर जाए, उसका पतन हो जाए, ठीक है, तब उसका कौन सा अमंगल होगा? यानी कि कोई अमंगल नहीं होगा। और अगर कोई स्वधर्म का पालन करे और स्वधर्म आचरण करते हुए भी यदि वो हरि भजन ना करे, तब भला उसे क्या मिलने वाला है? कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो इस तरह भक्ति शून्य कर्म साधना की पूरी विफलता बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। नारद जी ने व्यास जी से कहा, क्या कहा? कि अगर कोई व्यक्ति है भजन में आया, भजन में आते आते उसका ऐसा आवेश चढ़ा, भजन में इतना अच्छा लगने लगा, भजन का मार्ग, भगवान में इतनी रुचि हुई महत कृपा से,
कि नित्य नैमित्तिक वर्णाश्रम धर्म ही त्याग हो गए उससे। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करोगे, यानी कि अगर आप ब्राह्मण हैं या अगर आप वैश्य हैं, यदि आप क्षत्रिय हैं तो उसके अनुसार, या फिर आप जो है गृहस्थ हैं या वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उसके अनुसार, ठीक है, आपका जो धर्म है उसे पालन करना होगा, नहीं तो दोष लगता है, पाप लगता है। तो बोला कि लेकिन भजन में क्या होता है, भजन करते 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 ये छूट जाते हैं अपने से। तो अगर किसी ने इन स्वधर्मों का त्याग कर दिया और वो भगवान का भजन करते करते, मान लो नहीं हुआ उससे भजन, छूट गया उससे भजन बीच में, पूरा नहीं हुआ, प्रेम प्राप्ति नहीं हुई, अब भजन ही छूट गया उससे, तो बोला उसका कोई अमंगल नहीं होगा, क्योंकि उसका उसने भजन किया है भगवान का, भगवान उसकी सहायता करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म पर है, स्वधर्म का आचरण कर रहा है, लेकिन तो भी वो हरि भजन नहीं कर रहा, यानी कि वो बहुत अच्छा जो है गृहस्थ है, घर के सारे काम कर रहा है ना, और भी बाकी जो कुछ भी है अपना पूरा वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन बस भजन नहीं कर रहा, तो बोला कि वो कुछ भी कर ले सब शून्य है, बेकार है ना, क्योंकि उससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, भगवान नहीं मिलने वाले। तो इस प्रकार कोई कर्मी है और भजन से शून्य है, और वो ये कहता है कि देखिए हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, हमने जो है आज तक कभी कोई बुरा कर्म ही नहीं किया, तो हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों करेंगे, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मगर सच ये है कि अगर हरि भजन नहीं किया तो सब कुछ गलत ही है, जो कुछ भी हमने किया है ना, भगवान के भजन के लिए शरीर मिला है। तो ये जो है यहाँ पर कहा गया कि कर्मियों के लिए भी भक्ति की परम अपेक्षा देखी जाती है। श्री चैतन्य चरितामृतम में श्रीमन महाप्रभु ने कहा, चारी वर्णाश्रमी जोदि कृष्ण नाही भजे, स्वधर्म करियाओ रौरवे पड़ी मजे। बहुत ही बड़ी बात कह दी कि चार वर्णाश्रम धर्म जो है ना, जिनके बारे में हमने जिक्र किया, अगर वो कृष्ण का भजन नहीं करते तो चाहे वो कितना भी अपना धर्म बजा लें तो भी उन्हें अंत में मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी, रौरव नरक की प्राप्ति होगी। कृष्ण भजन इतना ज़रूरी है मनुष्य देह में। इसी तरह जो योगी गण हैं, अगर वो योग करते हैं, योग साधना कर रहे हैं अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, और वो भक्ति के बगैर कर रहे हैं, भक्ति में उनका विश्वास नहीं है, तो बताया गया कि तब सब बेकार है। कहा गया, क्या श्लोक आया श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जहाँ पर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण स्तुति में कह रहे हैं, पूरे हे भूमन बहवो अपि योगिन तत्व दर्पितो दर्पिते हा निज कर्म लब्धया विबुद्धे भक्तेव कथोपनीयता प्रपेदी रेह अंजो अच्युत ते गतिम पराम। कह रहे हैं श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कि हे अपरिचिन, पूर्व काल में जगत में बहुत से योगी योग द्वारा आपका ज्ञान प्राप्त ना कर पाने के कारण, बाद में आप में उन्होंने जब समस्त चेष्टा समर्पित कर दिया और रुचि सहित आपकी कथा श्रवण जनित भक्ति प्राप्त की, तब आत्म तत्व और आपके स्वरूप तत्व से अवगत होकर सुख से परम गति यानी आपके चरण कमलों को प्राप्त किया, है ना। पूर्व काल में बहुत योगी, यानी कोई सोचे कि हम योग के द्वारा भगवत ज्ञान प्राप्त कर लें, योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लें, योग इसलिए भी किया जाता है कि परमात्मा में उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, लेकिन कोशिश तो उन्होंने बहुत की पर भक्ति का सहारा नहीं लिया। बाद में जब उन्होंने सोचा सारी चेष्टा हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, अब तो सिर्फ रुचि सहित भगवान की कथा सुनेंगे, है ना भाई, क्योंकि देखिए भजन की शुरुआत होती है कथा के श्रवण से, अगर श्रवण ही नहीं होगी तो भगवान की कथाओं में, तो फिर भगवान के भजन में रुचि भी नहीं बनेगी, भगवान के तत्व को ही नहीं जाना जा सकेगा, भजन ही नहीं जाना जा सकेगा, क्यों माला करें, किस लिए करें, क्या प्राप्ति होगी, कुछ नहीं जाना जा सकेगा, इसलिए श्रवण तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सारी चेष्टाएं भगवान को समर्पित कर दी और
फिर उस श्रवण जनित भक्ति के प्रभाव से उनको जो तत्व नहीं मिल रहा था, जो नहीं जान पा रहे थे, पहला तत्व है आत्म तत्व कि मैं कौन हूँ, है ना, आत्म तत्व कि मैं आत्मा हूँ, गौड़ीय वैष्णवों के लिए कि मैं राधा रानी की दासी हूँ, और आपका स्वरूप तत्व कि आप ही सेव्य हैं, है ना, सच्चिदानंदमय हैं, आप कैसे हैं, वो तो अपने प्रयास से जाना नहीं जा सकता, वो तो महत के मुख से जब हम शास्त्र श्रवण करेंगे भक्ति करते करते तभी हमारे हृदयंगम होगा, तभी हृदय में उतरेगा। तो जब ये जान लिया तो उन्हें सुख से परम गति, परम गति क्या है, परम गति ना तो ब्रह्म में विलीन होना है, परम गति ना असिद्धियों को प्राप्त करना है, परम गति ना परमात्मा को प्राप्त करना है, परम गति है भगवान की सेवा को प्राप्त करना, श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को प्राप्त करना। तो उन्हें आपके चरण कमल प्राप्त हुए, है ना। तो श्रीपाद ग्रंथकार यानी श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद जी कह रहे हैं, कर्मी ज्ञानी और योगी जिस प्रकार अपनी साधनाओं के फल की सिद्धि के लिए, कि हमें हमारी साधनाओं का फल मिल जाए, जिस तरह से वो भक्ति की सहायता लेते हैं, और उनको लेना पड़ेगा, अपरिहार्य है, आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इस प्रकार भक्ति अपने फल को देने के लिए अन्य किसी भी साधना की अपेक्षा सपने में भी नहीं रखती, है ना। कर्मी सोचता है कि भाई मैं सुख लूँ, सुख पाऊँ, तो वो भजन करने लगता है। अगर भजन करता है तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हें इस दुनिया का सुख चाहिए, लो ढेर सारा सुख ले लो, ठीक है। तो भक्ति की आवश्यकता है, ज्ञानियों के लिए भक्ति की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति को किसी की आवश्यकता नहीं है, ना ज्ञान की, ना कर्म की, ना योग मार्ग की, सपने में भी आवश्यकता नहीं है। तो जब ज्ञानियों की साधना पूरी हो जाएगी तो उन्हें मुक्ति मिलेगी, पहली बात है ना। जब कर्मियों की साधना पूरी हो जाएगी तो उन्हें उच्च लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में शुरुआत से ही भगवत सेवा प्राप्त हो जाती है, शुरुआत से ही आनंद मिलना प्रारंभ हो जाता है, भक्ति की शुरुआत से लेकर के, और भक्ति का अंत तो बोलेंगे नहीं, जब उसे प्रेम मिल जाता है, है ना, प्रेम प्राप्ति। भक्ति क्या देती है, ब्रह्म ज्ञानी जो है वो अपने दुखों से छुटकारा पा करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, कर्मी जो है उच्च लोक पाना चाहते हैं, योगी जो है अष्ट सिद्धियां नवनिधियां पाना चाहते हैं, कभी परमात्मा को भी पाना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त है वो भगवत प्रेम पाना चाहते हैं, क्योंकि वही प्रयोजन तत्व है। तो जब भक्ति करते हैं तो उन्हें भक्ति प्रेम देती है, भक्ति, भक्ति से सिर्फ प्रेम ही मिलता है। अगर कोई शुद्ध भक्ति करेगा उसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा तो वो भगवान कृष्ण का माधुरी आस्वादन करके धन्य हो जाएगा, प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाएगा, प्रेम से सेवा का सुख मिलेगा। प्रेम ही नहीं है तो सेवा बोझ लगती है, सेवा का, सेवा की प्रवृत्ति भी नहीं बनेगी प्रेम के बगैर। तो भक्ति जो है प्रेम देती है, ठीक है। तो भक्ति, इसलिए भक्ति की यहाँ पर क्या चीज़ बोला गया कि भक्ति जो है किसी की अपेक्षा नहीं करती है, है ना। और तो और, अगर अगर भक्ति में कोई ज्ञान मिला दे, या भक्ति में कोई कर्म ले आए, हैं, या कोई योग मार्ग की बात हो जाए, तो भक्ति की शुद्धता की हानि हो जाती है। शुद्ध भक्ति में इन सब का मिश्रण अनुचित है। इसके लिए भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक आया, जहाँ पे श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं, तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिहा। श्री कृष्ण उद्धव जी से बोल रहे हैं, मुझ में भक्ति युक्त मदगत चित्त भक्त के पक्ष में इस विश्व में ज्ञान वैराग्य आदि श्रेय साधन रूप में गण्य नहीं होते। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि श्रेय साधन यानी कल्याण के अनेक मार्ग हैं, आत्मकल्याण के, भाई पहला मार्ग ज्ञान का है कि आप अज्ञान से बचो और ज्ञान में आ जाओ, फिर ब्रह्म ही सर्वस्व है, ब्रह्म में विलीन हो जाओ, हैं। या कोई सोचता है कि नहीं हम वैरागी बन जाएं, अगर हम वैराग कर लें, यानी ये दुनिया बेकार है इससे वैराग हो जाए, और भक्ति ना करे कोई तो वो शुष्क वैराग्य उसको और सूखा बना देगा, तार्किक बना देगा, तो वो उसके लिए बेकार ही है, है ना। तो बोला कि जो है
अगर किसी व्यक्ति का चित्त मेरे भजन में लग गया तो फिर उसके लिए बाकी सब व्यर्थ है। ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है उसे, वैराग्य की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति निर्गुणा है। वो ये जो ज्ञान है ये सतोगुण से उपजित ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है। और आपको बताया था पिछली दफ़ा कि जो भक्ति की सहायता से इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, वहाँ पर भक्ति को वो सात्विकी भक्ति कहते हैं, सात्विकी भक्ति हो जाती है क्योंकि सतोगुण से वो ज्ञान उपज रहा है। लेकिन भक्ति तो स्वयं निर्गुणा है क्योंकि भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति में कौन सा गुण हो सकता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान में नहीं है, है? आह्लादिनी शक्ति में भी नहीं है तो भक्ति में भी नहीं है। तो शुद्ध भक्ति निर्गुणा है, उसका माया के साथ कोई संस्पर्श नहीं है, है ना? तो भक्ति निर्गुणा है, निरपेक्ष है, उन्हें किसी के अपेक्षा भी नहीं है कि कोई साथ आए तो भजन होगा, नहीं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य आदि को भक्ति की परम अपेक्षा है। अगर किसी को ज्ञान में सफलता चाहिए या वैराग्य में तो भक्ति करनी होगी। भक्त उनकी कामना नहीं करते हैं, ज्ञान की कामना नहीं करते कि हमें ज्ञान मिल जाए, और वैराग्य की भी कामना नहीं करते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि यही लोग जो है ना, यानी ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति का अनुगमन करते हैं, भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, है ना? अब बोला गया कि ज्ञान वैराग्य आदि भक्तिर कभू नहे अंग, यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भक्ति देवी स्वयं अतिशीघ्र ही शुद्ध वैदिक ज्ञान और युक्त वैराग्य संजात कर देती हैं। श्लोक आया श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। कि भगवान श्री कृष्ण में जो भक्ति है, है उससे क्या हो जाता है, उससे तुरंत ही ज्ञान अपने आप ही हृदय में प्रकट हो जाता है और वैराग्य भी प्रकट हो जाता है। आप देखेंगे, कभी आप महसूस कीजिए, मैंने तो देखा है, भक्ति निरपेक्ष है। अगर किसी के हृदय में भक्ति आ जाती है तो वो कई बार भगवद गीता के श्लोक बता रहे होते हैं, है ना? चाहे उन्होंने बेशक कोई पढ़ाई लिखाई ना की हो, कोई उनकी फॉर्मल एजुकेशन ना रही हो, है ना, लेकिन तो भी वो बता रहे होते हैं भगवान ने गीता में यहाँ इस जगह ये बोला। इतना सारा ज्ञान कहाँ आ जाता है उनको? पढ़े लिखों को ये ज्ञान नहीं होता है? और वैराग्य ज़बरदस्त होता है, खाने में से उनका उनकी रुचि हट जाती है कि नहीं, हमें इतना रसमय भोजन नहीं करना है, ठीक है ना? मतलब वो संयम कर सकते हैं अपनी इंद्रियों को। तो इसीलिए शीला विश्वनाथ चक्रतिपाद जी ने कहा कि वर्णाश्रम आदि को एकांत भाव से त्याग करके भजन का उपदेश जिनको मिला है, जैसे कि एक श्लोक आया श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर भगवान ने उद्धव जी को बोला, आज्ञायैवं गुणान दोषान मया दिष्टानपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत सतु सत्तमः। भगवान ने कहा था कि देखो उद्धव, मैंने ही वेदों में जो है धर्म के बारे में बोला है कि इस धर्म का पालन करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, मैंने ही बोला है। गुण के बारे में भी बोला है, धर्म के बारे में भी बोला है, और ये भी बता रखा है कि भाई अगर इसका अनुष्ठान नहीं करोगे तो दोष होगा, ठीक है, दोष होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरा भजन करे और भजन करते करते वो ये सोचे कि वेदों में शास्त्रों में जितने भी धर्म के बारे में बोला है कि धर्म का अनुष्ठान करना होगा, है ना, नहीं तो प्रत्यवाय लगेगा, दोष लगेगा, दोष को जानता है वो, लेकिन तो भी सोचे अरे भाई मैं तो भगवान के ध्यान में डूबे रहना चाहता हूँ, भगवान के ध्यान में ये सारी चीज़ें विक्षेप हैं कि भाई जो है जाओ और जा कर के ये वाली पूजा करो, ये वाला यज्ञ करो, या जो है घर में अग्निहोत्र जो है होम करो, या ब्राह्मणों को जिमाओ, बहुत सारी तरह के कर्म कांड होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो बोला कि अगर ये सब नहीं करेगा एक गृहस्थ तो दोष लगेगा, लेकिन अगर कोई पूरा भक्त हो गया भगवान का और तिस पर वो ये सोचे कि ये सब करने से मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, अब जानता है कि अगर नहीं करेगा तो दोष होगा और
पाप लग सकता है, लेकिन तो भी अगर वो ये सोचे कि इससे ध्यान में विक्षेप आएगा और मेरी भक्ति से ही सब सिद्धि हो जाएगी, ये सोच करके वो दृढ़ निश्चय करके सारा धर्म परित्याग कर दे, जानबूझ के छोड़ दे और मेरा ही भजन करे, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो श्रेष्ठ साधु है मेरी नज़र में। मतलब जहाँ इतनी बड़ी बात कि भगवान ने ही बोला कि मणाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा, उसके आचरण को नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा, और व्यक्ति त्याग दे सारा कुछ भगवान के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो बोला गया कि वो व्यक्ति परम भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है ना। श्री गीता में भी यही बोला उन्होंने, देखो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि हे अर्जुन आप समस्त धर्म को परित्याग करके सिर्फ मेरी ही शरण ग्रहण करो, समस्त पाप से मैं आपको विमुक्त करूँगा, इसलिए आप धर्म त्याग के लिए कभी शोक मत करना कि मैंने सारे धर्म त्याग दिए। तो भक्ति जो है, भक्ति क्या है, अन्य साधना का मिश्रण सहन नहीं कर पाती। भक्ति में अगर अन्य साधना का मिश्रण कर दिया कि थोड़ा बहुत कर्म मार्ग भी चलेगा, थोड़ा बहुत ज्ञान मार्ग भी कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो, और भजन भी कर लेते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति फिर भजन, सिर्फ शुद्ध भक्ति जो है वो प्रेम देती है, है ना। तो जो शुद्ध भक्ति है वो अन्य मिश्रण नहीं सह पाती है। भक्ति अपने फलदान के लिए कर्म ज्ञान आदि की सहयोगिता की कोई अपेक्षा नहीं रखती है, किंतु भक्ति के आभास मात्र से ही कर्म ज्ञान और योग आदि का जो साध्य फल है वो अनायास ही भक्ति दान दे देती है। मतलब कोई कर्म मार्गी, कर्मी, ज्ञानी, योगी अगर भक्ति थोड़ी बहुत भी कर ले भगवान की तो भी वो सफल हो जाता है, है ना। श्री कृष्ण ने जो है ये बताया क्या श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कि कर्म तपस्या ज्ञान, देखो यहाँ बोला सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्गम मद धाम कथंचित यदि वांछति, कि मेरा भक्त जो कुछ भी चाहे उसे मिल जाता है, उसे सोचना नहीं पड़ता, उसे कोई कष्टप्रद मार्ग का अवलंबन नहीं करना पड़ता। कर्म से जो चीज़, जो सिद्धि मिलती है ऊंचे लोकों में, तो भगवत लोक में चला जाता है भगवान का भक्त, तो सबसे ऊंचा तो वही लोक है, है? गोलोक, या तपस्या से जो कुछ मिलता है, ज्ञान का मार्ग अवलंबन करके जो कुछ मिलता है, वैराग्य से जो मिलता है, योग से जो मिलता है, दान से जो मिलता है, धर्म से जो मिलता है, और अनेक जगहों की तीर्थों में यात्राएं करने से जो पुण्य मिलता है, व्रत से जो मिलता है, भगवान कहते हैं मेरा भक्त भक्ति योग द्वारा अनायास ही वो समस्त लाभ ले पाता है, उसे अचानक ही सब कुछ मिल जाता है, उसे कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता अलग से। हालांकि भक्त की कोई वासना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, वो तो सिर्फ भगवान का सुख चाहता है कि भगवान जो है सुखी रहें, आपके सुख में मेरा सुख हो, आप सुखी रहें, है ना। तो भी अगर वो कभी प्रार्थना करे कि नहीं मुझे तो इस बार स्वर्ग देखना है, या मुझे तो मोक्ष चाहिए, या तो मुझे आपका धाम चाहिए, मुझे आपके धाम में जाना है, वो ही सब मिल जाएगा उसको जो वो चाहे। इसका दृष्टांत आता है बृहद भागवतामृतम में, सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गोप कुमार, उन्होंने भगवान का भजन करते करते वो सारे लोक चले गए, सारे लोग स्वर्ग लोक तक गए, वो ऊपर जो महरलोक, जनलोक, तपोलोक सब जगह घूम आए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, वैकुंठ में चले गए तो भी अच्छा नहीं लगा, है ना, और भी जगह वैकुंठ के अन्य भागों में, प्रकोष्ठों में भी जा रहे हैं तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ अच्छा लगा? फाइनली इस भौम वृंदावन में, यहाँ पर आकर ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण के लिए क्रंदन है, यहाँ श्री कृष्ण के लिए उत्कंठा है, व्याकुलता है, यहाँ पर ब्रज प्रेम है। ब्रज प्रेम का जो भक्त होता है, जो ब्रज प्रेमी होता है, उसे अन्य लोक नहीं सुहाते, चाहे वहाँ दुख ना हो, चाहे वहाँ बहुत सुख हो, तो भी वो सुख उन्हें नहीं भाता, लेकिन अगर वो जाना चाहे तो उन्हें आराम से मिल जाता है। पक्षांतर में भक्ति विहीन कर्म, यानी इसके विपरीत, भक्ति विहीन कर्म या भक्ति विहीन तपस्या या भक्ति विहीन ज्ञान सब निष्फल हो जाते हैं, कोई अपना फल नहीं दे पाता। श्री हरि भक्ति सुधोदय में भी कहा गया है,
भगवद भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपह तपह अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोक रंजनम। कि जो भगवान की भक्ति से विहीन है लोग, भगवान का भजन नहीं करते, हरि नाम नहीं करते, कथा का श्रवण नहीं करते, भोग लगा के नहीं खाते, ऐसे ही खाते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण भी अगर क्यों ना हो, ऐसे लोग अगर ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उत्तम जाति वाले, या जिन्होंने सारे वेद पढ़ रखे हों, सारे शास्त्र जानते हों, या जो सारे मंत्रों का जप करते हों, या बड़े तपस्वी हों, तो वर्णन आया है कि ये सब जितना भी उनकी उपाधियां हैं, ये सारी की उनकी मेरी उत्तम जाति है, जितने भी घमंड की चीज़ें हैं बताया, ये मृत देह पर आभूषण पहनाने की तरह सिर्फ लोगों का मनोरंजन है और कुछ नहीं। यानी कि अगर कोई मर गया, अब आप सोचो कि इसका मेकअप कर दें, मरे हुए का मेकअप करो या उसको सोना चांदी पहनाओ, मरा तो मरा है, तो सड़ता चला जाएगा, सड़ता चला जाएगा है। अगर कोई भगवान के भजन से विहीन हो और वो अपनी उत्तम जाति का अभिमान कर रहा हो, या शास्त्र अध्ययन का अभिमान कर रहा हो, या बड़े सारे मंत्र जाप करता हो, पर भगवान के भजन में कोई रुचि ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बेकार है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसका मृत्यु हो जाता है उसके देह में अलंकार का जैसे कोई महत्व नहीं, कोई सार्थकता नहीं, उसी प्रकार भक्तिहीन व्यक्ति का कुल जप तप शास्त्र ज्ञान सब बेकार है, केवल लोगों का मनोरंजन मात्र है, लोगों के ऊपर डींग हाँकने का एक साधन है और कुछ नहीं, घमंड करने का साधन है। इस वाक्य के द्वारा भक्तिहीन साधना की विफलता के बारे में हम समझ पाते हैं। देह में, देह जिस प्रकार प्राण के अधीन है जप तप, इसी प्रकार परम महान भक्ति देवी के अधीन है। देह में अगर प्राण ना हो, है ना, तो फिर देह का मतलब ही क्या है, वो तो पत्थर, वो मिट्टी हो जाता है, उसको तो जलाना पड़ता है, उसको फेंकना पड़ता है, उसको बहाना पड़ता है, दबाना पड़ता है। इसी प्रकार से जितना भी जप है, तप है, वो भक्ति देवी के अधीन है, है ना, वरना ये अपना कोई फल नहीं दे सकते। और कर्म ज्ञान आदि की साधना में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई कर्म कर रहा है, कर्मकांड, यज्ञ आदि कर रहा है, तो उस साधना में, ज्ञान के साधना में, जिस प्रकार देश काल पात्र द्रव्य अनुष्ठान और शुद्धि की अपेक्षा रहती है, भक्ति साधना में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है ना। कोई यज्ञ कर रहा है तो जगह अच्छी होनी चाहिए, पूर्व की तरफ मुँह करके बैठो, अच्छे अच्छे हवन की सामग्री लेकर के आओ, शुद्ध होनी चाहिए, श्लोक शुद्ध बोलना चाहिए, है ना, कौन अनुष्ठान कर रहा है, किस जाति का है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस समय। लेकिन भक्ति के याजन में ना जाति की कोई अपेक्षा है, ना देश की कोई अपेक्षा है कि कहाँ पर हो रहा है, ना काल की कोई अपेक्षा है कि भाई सुबह होगा कि दोपहर में होगा कि शाम को होगा कि रात में होगा, कभी भी कर लो भक्ति, तो है ना। पात्र की कोई आवश्यकता है कि कर कौन रहा है, सामान की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी भी कोई अपेक्षा नहीं है, अनुष्ठान की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश में और किसी भी समय, किसी भी अवस्था में हरि भजन कर सकता है। हरि भजन में कोई नियम नहीं है। वैष्णव स्मृति में कहा है, विष्णु धर्मोत्तर में, कि हे लुब्धक, हरि नाम में का ऐसा अनिर्वचनीय महात्म्य है कि हरि नाम के संकीर्तन में देश काल का कोई नियम नहीं। यहाँ तक कि उच्छिष्ट अवस्था में अगर किसी का मुंह जूठा है तो भी वो नाम कीर्तन कर सकता है, उसने खा लिया, खाते हुए भी वो हरि नाम ले सकता है, गा सकता है भगवान का नाम, लेकिन वो गायत्री नहीं कर सकता कि भाई खा लिया, मुंह जूठा है तो गायत्री कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। तो भक्ति अपनी सिद्धि के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं रखती है, इसीलिए कहा गया, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारियत कृष्ण नाम। कि हे भृगुवर, श्रद्धा के सहित चाहे अवहेलना के सहित, अवहेलना के सहित, उल्लंघन के सहित, मजाक में कोई अगर कृष्ण नाम ले ले, कृष्ण नाम गा ले, तो वो मनुष्य का त्राण कर देता है, मनुष्य को मुक्त कर देता है, मनुष्य के लिए कल्याणप्रद होता है, ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। श्री हरि भक्ति विलास में भी कहा गया क्या, कि श्री कृष्ण नाम कीर्तन का मुख्य फल है प्रेम, इसलिए
किसी भी तरीके से कोई एक ही बार कृष्ण नाम कीर्तन कर लेगा तो आनुषंगिक रूप में उसे मुक्ति यूं ही मिल जाएगी, उसे मुक्ति के लिए अलग से कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, प्रेम भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी, भगवत सेवा भी मिलेगी कृष्ण भजन से, है ना। इसीलिए कहा परिगीतम, परि इसका मतलब यह है कि अव्यक्त और असंपूर्ण भाव से, यानी मान लो कोई व्यक्ति है जो शुद्धता से कृष्ण नाम नहीं ले सकता है, कृष्ण बोल दिया, कृष्ण हो गया उससे, लेकिन इरादा है कृष्ण नाम लेने का, तो भी वो नाम उसके उसको तार देगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, असंपूर्ण भाव से भी ले तो भी उसे वही फल मिलेगा, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि भक्ति जो है वो अपना फल देने के लिए किसी भी चीज़ की, किसी भी माध्यम की अपेक्षा नहीं रखती है। भक्ति कोई करेगा विशुद्ध भक्ति तो उसे प्रेम मिलेगा, और अगर विशुद्ध भक्ति कोई नहीं करेगा, ज्ञान मार्ग या अन्य कोई मार्ग का सहारा लेकर के भजन करेगा कि भाई ये सब करूं तो वहां का फल दे देंगी वो, तब प्रेम नहीं मिलेगा, उच्च फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ भक्ति के बारे में जहाँ ये बताया गया पहले कि भक्ति स्वप्रकाश है ना, भक्ति ही भक्ति के उत्पन्न होने का कारण है, यहाँ अब बताया कि भक्ति को किसी की भी अपेक्षा नहीं होती, भक्ति निरपेक्ष है, भक्ति के बारे में ये विशेषता बताई गुरुदेव ने। तो आज की श्री माधुर्य कादम्बिनी का जो पाठ है वो यहीं तक, इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। भगवान ने चाहा, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे और इसके आगे की कथा पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।